नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जब कोई सरकारी सिस्टम किसी स्कीम में पलीता लगाने के लिए लग जाता है तो कुछ एक कहा जाए कि इस तरीके का नज़ारा सामने आता है कि जहां जो पात्र लोग हैं जिनके लिए आवश्यकता है उनके लिए वो स्कीम नहीं मिलती है, और जो अपात्र हैं जिनके पास ये कहा जाए कि अगर उनकी जांच की जाए तो उनकी जो योग्यता है उसमें से कई चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो उनके पास पहले से ही हैं, लेकिन उनके लिए दिया उनके लिए वो स्कीम दे दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में जाँच के नाम पर जो लुटाई मची हुई है और जो अपात्रों के लिए यह सुविधा शुल्क के जरिए स्कीम दे दी जाती है, और वहीं पर जो सुविधा शुल्क नहीं दे पाते हैं, जो जिनके अंदर जो सक्षम नहीं है उन लोगों के साथ क्या हाल होता है, आइए आज हम ऐसे ही केस पे आपके लिए ले चलते हैं और उनके बारे में उनसे जानेंगे कि उन्हें आखिर मकान क्यों नहीं मिला और जो अधिकारी है वो क्या कहकर चले गए हैं। जी हाँ, एक ऐसा परिवार जहाँ पर माता पिता भाई बहन सभी लोग रहते हैं, अलग अलग हैं मकान, जो है कि आपको पीछे दिखाई दे रही होगी टपैया बनी हुई है, टपैया में पति पत्नी रहने के लिए मजबूर हैं और उनका परिवार। तो आइए जानते हैं आखिर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ था वो क्यों नहीं मिला और क्या समस्याएँ उनके लिए आ रही हैं, आके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उन्हें क्या बता रहे हो, क्या गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आपको एक घर दिखाना चाहते हैं, एक जहाँ पर एक बरसाती छाई हुई है, इनका मकान है और इसी में ये लोग रहते हैं, तो ऊपर छत भी नहीं है जिसमें वो रह रहे हैं और इनके हिस्से में यही घर आया है। शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं और कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? हमारा राम किंकर। राम किंकर जी, ऐसे घर में आप रह रहे हैं, कितनी समस्याएं झेली? बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कभी सांप निकलता है हरियाली ज़्यादा होने से, दीवानों पर कूड़ा करके रहने से, अभी परसों ही ठाट में सांप था, और कभी चिंटी निकलने लगती है, कभी चिंटियाँ तो रात में सो भी पाती हैं, लंगूर आते हैं यहाँ पर बंदर, तो उनकी वजह से ये तिरपाल पड़ जाती है, सारा घर चूता रहता है, और जब अधिकारियों किसी को दिखाने जाते हैं तो कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए आता है तो पहले तो पैसे की डिमांड करता है, स्पष्ट तो नहीं कहता लेकिन सारों में कहता है, जब उसकी बात नहीं सुना जाता है तो उल्टी सी जांच लगा के चला जाता है। राम किंकर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप जानते हैं? जी हाँ। आपने आवेदन किया? हमने आज 6 माह पूर्व आवेदन किया था, शिकायतें भी दर्ज कराई थी, प्रधान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कराई थी, तालवेट मंगल दिवस में दी थी, और 2 बार डायरेक्ट डीएम के पास भी लिखवा कर दिए कर आए हैं, और इस ब्लॉक स्तर पर भी मैंने जांच कराई थी लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। जांच में क्या उन्होंने लिख के भेज दिया? जांच में लिख के देते हैं कि आपके पास 6 एकड़ जमीन है, आपके प्रसाद पिताजी के पास में इसी कमरे को 3 कमरे बता देते हैं, ये 3 कमरे हैं। आपके पिताजी के पास 6 एकड़ जगह है? जी हाँ। आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं तो 4 भाइयों में अलग अलग हिस्सा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी सिर्फ एक छोटे गाँव की सेवा करते हैं, पूजा का काम। मतलब आपके पिताजी पूजा करते हैं, उसी से घर का खर्चा चला रहे हैं? चलता है। अच्छा, आप लोग 6 भाई बहन हैं जो भी हैं, जितने भी परिवार के हैं, तो उनके लिए उनके हिस्से में आपके हिस्से में एक कमरा आया है? एक कमरा दिया गया है मुझे। इसमें आप लोग रह रहे हैं? हाँ। कौन कौन रहता है इसमें? इसमें मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे। बच्चे रहते हैं। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है कि पिताजी के पास 6 एकड़ भूमि है इसलिए तुम्हारा आवास नहीं बन सकता है। फिर दूसरे लोगों के कैसे बना दिए गए, जहाँ शहर में 10-10 लोग रहते हैं, 10 ही कोई मकान बना दिए गए हैं? सिर्फ पैसा ले देकर उनसे शौचालय की डिमांड रखा, आवास नहीं देते शौचालय दे दो, तो बोलते नहीं इतने लोग हैं तुम्हारे पास, 5 मिनट के अंदर से आप जाइए। नहीं भाई, हमारे घर में 10 लोग हो कैसे जाएंगे, तो बोलते इससे कुछ नहीं बनेगा। शौचालय आपका बना के आपके पिताजी के? वो मेरे माताजी के नाम से बना। आपके नाम से अभी तक शौचालय? आपने आवेदन किया? गया आवेदन किया है। कब किया था? 4 से 6 माह पूर्व शौचालय का एवं आवास का दोनों का मैंने आवेदन किया था कि 2 में से 1 चीज तो नहीं जाएगी। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो यहाँ पर यही रिपोर्ट लगा देते हैं कि आपकी माताजी के नाम से मैंने 1 शौचालय दिया, आपको तुमको शौचालय नहीं दिया जाएगा। आपने जिलाधिकारी को बताया इसके बारे? जिलाधिकारी के पास भी हम 2 बार वीडियो सीडियो के लिए बताया किसी को? वीडियो साहब को बताया था, तो वो भी यही जांच कराते हैं, जो कि राजीव वर्मा हमारे यहाँ के ग्राम सेक्रेटरी हैं, तो वो वही गलत जांच लगा देते हैं, इसी कारण से कोई भी अधिकारी कदम नहीं उठा पाता है। वो बोलते हैं कि भाई ग्राम पंचायत अधिकारी ने जो कुछ रिपोर्ट लगाई वही हम लगा पाएंगे। तो आप क्या मौके पे आके नहीं देख सकते हैं क्या? इस प्रकार से कोई भी अधिकारी नीचे का गुमराह करता रहेगा तो चलता रहेगा? नीचे वाले कर्मचारियों से होते हैं, कभी वो अपना सफाई कर्मी को बनाते हैं अधिकारी हमारे ब्लॉक में, सफाई कर्मी अधिकारी बनेगा वो आता है जांच करने के लिए, सफाई कर्मी राजीव वर्मा। हाँ, राजीव वर्मा ने सबसे पहले अपने एक सफाई कर्मी अमित सोनी से जांच कराई थी, तो वही रिपोर्ट लगा लाया गया था, उसी रिपोर्ट के आधार पर अभी तक वो रिपोर्ट लगा देते हैं, बस नेट पर डाल देते हैं, नेट के माध्यम से शिकायतें पूर्ण हुई हैं।
मतलब आप जो शिकायत करते हैं उसका फर्जी निस्तारण कर दिया जाता हो जाता है मोबाइल नेट द्वारा। यहाँ पर गुनिया था कि भाई क्या बात है, ये डाल रहे हैं कुछ नहीं, बताने जब सामने आपका मकान कच्चा दिख रहा है, आप बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद जब आपने जो सरकारी स्कीम है उसको उसमें आवेदन किया तो उस तरीके के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो शायद सरकार की स्कीम में पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं सुविधा शुल्क के चक्कर में, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। कई बार प्रधान से भी कहा कि आपने कुछ देखा आपके गाँव कौन है यहाँ के प्रधान, हमारे यहाँ के नीरज जायसवाल है, उनसे क्या कहा आपने कि हमारी स्थिति देखिए परेशान है, बरसात का टाइम चल रहा है। प्रधान जी का हो जाएगा, देखेंगे जब आएगा तब हो जाएगा। आवास आएगा कि लेटरिंग, वो दोनों में से कुछ ना कुछ आपको दे देंगे जब आएगा, जब आएगा। हाँ, जबकि जबकि गांव में कितना लेटरिंग बन चुका है, कम से 1000 लेटरिंग बन चुका है, तो उसमें अभी तक मेरा नाम नहीं दिया, लिस्ट में नाम नहीं है तुम्हारा। अच्छा, आवेदन जो आपने आवेदन किया उसको लेकर ऑनलाइन आवेदन कराए थे आपने, उसमें तो आपने दिखा नहीं उनके लिए कि हमने आवेदन किया हुआ किया। हो जाएगा जब होगा, जब समय आएगा तुम्हारा, जब हो जाएगा समय बताते हैं। अच्छा अच्छा, आइए आपको और दिखाते हैं किस तरीके से जो लोग इस घर में रहने के लिए मजबूर है, एक मकान एक घर है इसी में सभी लोग रह रहे हैं, पति पत्नी और दो बच्चे हैं इनके, और इस तरीके से वो रहने के लिए मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे, और देखिए पूरा घर में हालत क्या है इनकी, ये मतलब यहाँ पर जो फसल बोते हैं उसी को नीचे ले गए, और इस जैसे इस खंडर जैसे लगाएंगे, देखिए ऊपर जो पॉलीथीन बिछाए हुए हैं उसी से पूरा अपना जीवन चला रहे हैं कि पानी इनके ऊपर ना हो। देखिए कच्चे मकान, इसे अगर हम कच्चा मकान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बारिश में सीड़न खाता हुआ मकान, लेकिन मकर जाला लगा हुआ है, ऐसे में यह लोग रहने के लिए मजबूर हैं, कच्चे में खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन गैस सिलेंडर है इनका कनेक्शन शायद, जो आपको आप स्कीम मिली थी क्या गैस सिलेंडर की? नहीं नहीं। अच्छा, पिताजी का ही गैस सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं, तो मतलब अभी आपको जो वहाँ से जो आप लोगों के लिए महिलाओं के लिए स्कीम चली वो मिली आपके लिए? नहीं मिली। आपका राशन कार्ड नहीं बनाया? क्यों? अच्छा, सेक्रेटरी ने आपका राशन कार्ड भी कटवा दिया? परिचय पत्र तो यहाँ का है, आधार कार्ड यहाँ का है, तो आपको अभी तक मतलब गरीबी रेखा किसी भी रेखा का आधार वो नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, राशन भी नहीं मिलता है आपके? बहुत बढ़िया, देखिए यह संवेदनहीन जो सिस्टम है उसकी एक बांधगी मात्र है कि इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा कच्चा मकान है, पूरा कच्चा मकान है, और ये छत देखिए इनके कच्चे मकान की, दो बच्चे फैमिली परिवार पूरा इसमें रहता है, जहाँ पर फसल सुखाने के लिए भी घर का उपयोग किया जा रहा है। तो ये हालत है ललितपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी या 25 किलोमीटर की दूरी पर जखौरा ब्लॉक की, जहां पर अपने हक के लिए जो पढ़े लिखे या जो जागरूक लोग हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें हक नहीं दिया गया। पत्नी बच्चे और ये इनका परिवार, ये लोग पूरे परेशान है, कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। ये यह सिस्टम है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का, जहाँ पर हर चीज़ को लेकर ललितपुर समय नंबर वन चला है। और इनके पिताजी भी बैठे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं। आपका मकान अलग बना हुआ है जी। बच्चे आपके अलग रह रहे हैं, तो आपने बच्चों के लिए अलग अलग कर दिया क्या? आपने अलग कर दिया तो अलग अलग ले रहे हैं, मतलब आप अपने मकान में रहते हैं, आपके बच्चे एक अलग मकान में रहता है, इस वजह से बोल दो कि भाई। और जो शौचालय है वो एक है कि आपके चार हैं? कितने शौचालय बने आपके यहाँ? एक शौचालय बना हुआ। तो जो इनके पिताजी हैं राम किंकर जी के, और वो बता रहे हैं कि एक शौचालय बना है, 10 से ऊपर परिवार घर रहते हैं, चार बच्चे हैं इनके, बड़ा बच्चा अलग हो गया है, पति पत्नी बच्चे अलग रहते हैं, उनके लिए अलग से सुविधा है, और एक ही मकान में वो भी अपने एक सामने इनका मकान बना है छोटा सा, इसमें वो लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनके लिए भी जो समस्या है उस सामने दिखाई दे रही है, ये पूरा उनका एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं। इन्हीं के बगल में ये किसी और की संपत्ति है, मकान किसी और का है, वो ये लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं छोटी सी जगह में परिवार कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है, और इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जो कहें कि बेरहम सिस्टम या बेरहम कर्मचारी जिन्हें केवल सुविधा शुल्क के माध्यम से ही अपना काम करना उन्हें आता है, तो वही कुछ बांधगी इस समय जखौरा ब्लॉक में दिखाई दे रही है, जहाँ पर पीड़ित परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए छोटे छोटे बच्चे, आपको हमने अंदर के मकान के जायजा दिखाया कि कैसा है, छोटे छोटे बच्चे कैसे रहने के लिए मजबूर, पूरी नष्ट हो चुकी है, तो ये पूरी हालत है। फसल तो बारिश हुई तो फसल तो नष्ट हो गई, इन लोगों के लिए रहने के लिए कैसी स्थिति है, फर्श बिल्कुल गंदा रहने के लिए, आपको अंदर दिखाया है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ललितपुर में दिखावा कितना चल रहा है और हकीकत क्या है। जय हिंद जय भारत, से अपना सुरक्षित नियमों का पालन करें।